हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपके सामने खड़ी है ह्यूंडई क्रेटा, जो अपने लुक्स की वजह से जानी जाती है। और ये इसका सेकंड जनरेशन मॉडल है और ये इसका SX एग्जीक्यूटिव 1.5 लीटर डीजल वेरिएंट है जो आपके सामने खड़ा है। और ये आपको एक और बात बता दूँ, जो ये इंडिया की टॉप मोस्ट सेलिंग SUV के अंदर आती है। लोग इसे अपनी पहली पसंद भी रखना चाहते हैं काफ़ी लोग। तो मैं आज आपको इसका पूरा रिव्यू करके बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको इसके फ्रंट के बारे में पहले बताता हूँ। फ्रंट में आपको इसमें LED DRL दे रखी है और ट्रिपल LED हेडलैम्प दे रखे हैं, जिसमें से ऊपर के जो दो LED हैं वो लो बीम वाले हैं और जो ट्रिपल वाला है वो हाई बीम वाला है। इसके फ्रंट की इधर की बात कर लेते हैं, तो पूरा आपको क्रोम फिनिश मिलेगा विद बैजिंग आपको मिलेगी ह्यूंडई की, वो भी क्रोम में मिलेगी। और साइड व्यू की बात कर लेते हैं, साइड में भी सेम LED DRL, ट्रिपल LED हेडलैम्प्स। और नीचे की बात कर लेते हैं, तो फॉग लैंप में आपको हेलोजन लाइट मिलेगी और साइड में उसके ठीक एक इंडिकेटर दे रखा है जो आपकी उधर की साइड में भी है। चलिए मैं आपके इसके साइड व्यू के बारे में बात करते हैं, जो कि इसकी लेंथ है वो 4300 mm है और जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसका 190 mm है। अभी हमने थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करी थी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई इस गाड़ी में। और जो इसके टायर हैं वो 17 inches के हैं विद सिल्वर कट अलॉय व्हील मिलेंगे। और आपको डायमंड कट चाहिए वो आपको टॉप मॉडल में मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं इसके ORVM की। ORVM आपको फुली ऑटोमेटिक मिलेंगे, फोल्डेड होंगे और इसमें आपको इंडिकेटर की लाइट्स भी दिख रही होंगी और नीचे की साइड में आपको एक पेडल लैंप भी मिलेगा इसमें। चलिए गाइस, मैं आपको इसका बैक का बता देता हूँ। आपको इसके बैक में क्रेटा लिखा हुआ आपको मिलेगा विद ह्यूंडई की बैजिंग मिलेगी जो कि क्रोम में, और क्रेटा भी आपको क्रोम में लिखा हुआ मिलेगा। और आप बात करी जाए इसकी बैक लाइट की, तो वो पूरी LED में दे रखी है, आप देख सकते हैं पूरा LED में, और ये भी पूरी LED है। और बात करें इसके ये वाली लाइट्स की, तो ये आप में आपको रिवर्स लाइट दे रखी है और उधर की साइड में भी आपको इसके रिवर्स लाइट दे रखी है। अगर आप SX वेरिएंट भी लेंगे तब भी आपको SX ही लिखा हुआ मिलेगा, और अगर आप SX एग्जीक्यूटिव लेंगे तब भी आपको SX एग्जीक्यूटिव ही लिखा हुआ मिलेगा। तो आइए मैं आपको इसके बूट स्पेस के बारे में बताता हूँ कि कितना आपका बूट स्पेस मिलेगा आपको इसमें। तो देखिए, आपको इसमें 433 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, जो कि देखिए कितना बड़ा बूट स्पेस है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी आप सामान रखिए अपना खुल के रखिए, ठीक है। और आपको एक चीज और, आपको इसमें दो कुशन और मिलेंगे, देख सकते हैं आप अपनी फ्रंट सीट पे लगाइए, बैक सीट पे लगाइए, आपको दो कुशन और मिलेंगे। और आपको इसमें एक बैक वाइपर भी मिलेगा जो कि बहुत कम गाड़ियों में मिलता है, बट इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक ही है, ये भी काम आता है। तो चलिए मैं आपको इसके इंजन के बारे में बता देता हूँ। इसमें आपको उठाने के लिए हाइड्रोलिक वाले पंप वो नहीं मिलेंगे, और इसका जो इंजन है वो 1.5 लीटर डीजल वेरिएंट है और जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा आपको, और 1497 cc का इंजन है, 4 सिलेंडर है और जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 113 bhp, और टॉर्क जो है वो है 144 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, आप देख सकते हैं इसका इंजन। तो ऊपर की बात कर लेते हैं, ऊपर आपको देखने को मिलेगी आपको इसमें एक रूफ रेल, शार्क फिन एंटीना आप देख सकते हैं, और इधर की साइड में भी एक रूफ रेल दे रखी है, दोनों साइड में होती है। और सबसे मेन बात जो कि लोगों की पहली पसंद क्यों है, इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ प्रोवाइड करती है ह्यूंडई क्रेटा में, आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अंदर से क्लासी लगता है। मैं आपको अभी अंदर से भी दिखाऊंगा, तो आप देखते रहिए ये। और इसका जो फ्यूल टैंक है वो 50 लीटर आपको इसका फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। लिए बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर से। यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है कार लॉक अनलॉक के लिए, ये सिर्फ ड्राइवर सीट पे ही आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके का कुछ आपको इसमें इंटीरियर देखने के लिए मिलेगा, देख सकते हैं आप। साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको एक चाइल्ड लॉक, चारों मिरर के यहाँ पर आपको कंट्रोल्स, यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक का देख लीजिए, यहाँ पर आपको ORVM के कंट्रोल्स, सब कुछ यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको पूरा क्रोम फिनिश में आपको लॉक अनलॉक का देखने के लिए मिलता है, देख सकते हैं। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का एक बटन मिलता है देखने के लिए, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर आपको अपनी हेडलाइट अप डाउन का एक ऑप्शन मिलता है। तो कुछ आपका इस तरीके का इसमें स्टेयरिंग आएगा, देख सकते हैं, पूरा डी कट स्टेयरिंग आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा डी कट स्टेयरिंग है। यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स मिलेंगे स्टेयरिंग में, म्यूज़िक का सब कुछ आपको यहाँ पर सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं पूरा यहाँ पर क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर एक बीच में आपको ह्यूंडई की बैजिंग दे देगी और ये आपको हॉर्न देखने के लिए मिल जाएगा।
बात कर लेते हैं यहाँ की साइड की, तो यहाँ पर आपको वाइपर के सारे कंट्रोल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, रियर फ्रंट सारे, और यहाँ पर आपको अपनी हेडलाइट के सारे कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसमें डिजिटल नहीं देखने के लिए मिलता, बीच में आपको कुछ चीज़ें डिजिटल में मिल जाती हैं, जैसे कि फ्यूल इकोनॉमी हो गई, स्पीड हो गई, ड्राइव इन्फो हो गई, एक्यूमुलेटेड इन्फो हो गई। यहाँ पर आपको फ्यूल दिखा देगा कि आपकी गाड़ी कितना फ्यूल चल सकती है, अभी देख सकते हैं 163। यहाँ पर आपको सारे नीचे की साइड में आपको सारे वो दिखा देगा कि आपका हैंड ब्रेक लगा हुआ है, जैसे मैं क्या अभी हैंड ब्रेक लगा के दिखाता हूँ, देखिए एकदम आ गया, सीट बेल्ट का दिखा रहा है, सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है। साइड की बात कर लेते हैं, तो आपको इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम कंपनी पहले से लगा के नहीं देती है, देख सकते हैं। अब आप सोचेंगे इसमें कंपनी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं देती, तो आपको स्पीकर भी लगे हुए नहीं मिलते होंगे, रियर कैमरा भी नहीं मिलता होगा, वो सब आपको ऑलरेडी पहले से लगा हुआ मिलता है, बस आपको एक इंफोटेनमेंट सिस्टम ये कंपनी ने कॉस्ट कटिंग कर दी है। यहाँ मैंने जब ये गाड़ी ली थी तो यहाँ पर आप मैंने 25,000 का ये लगाया था, ये पूरा एंड्रॉयड है, ठीक चलता है एकदम बढ़िया, पूरा एंड्रॉयड, यूट्यूब चलाओ, स्पॉटिफाई चलाओ, नेविगेशन सब कुछ इसमें चल जाता है। नीचे की बात कर लेते हैं, नीचे आपको एसी के सारे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलेगा, यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ से आप अपना फ़ैन अप डाउन कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पार्किंग लाइट्स का एक ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं, और फ्रंट में आपको दो एसी विंड्स फ्रंट में और साइड में एक एक एसी विंड्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, टोटल 4 एसी विंड आपको फ्रंट में देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे की बात करें तो नीचे आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, 12 वोल्ट का पावर एडेप्टर का यहाँ पर वो मिल जाता है, यहाँ पर यूएसबी मिल जाती है और यहाँ पर यूएसबी चार्जर का एक सपोर्ट मिल जाता है पावर वाला। आपको ये गाड़ी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में देखने के लिए मिलती है, ऐसे एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर आपको मैनुअल हैंड ब्रेक का ऑप्शन मिलता है और यहाँ की साइड में आपको 2 बोतल होल्डर देखने के लिए मिलते हैं, देख सकते हैं। यहाँ गेट की साइड में आपको 2 बोतल होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको स्पीकर लगे हुए मिलते हैं, टोटल 4 स्पीकर और 2 ट्विटर इस गाड़ी में आते हैं, देख सकते हैं। और आप सीट्स की बात कर ली जाए तो सीट्स इसमें मैनुअल एडजस्टेबल सीट्स आपको मिलेंगी, देख सकते हैं। और यहाँ की बात कर ली जाए तो देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिलता है, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको केबिन लाइट्स प्रोवाइड करती है कंपनी ये, और ये आपको पैनोरामिक सनरूफ इसमें जो आता है, जो लोगों की पहली पसंद ये इसलिए है, तो यहाँ पर आपको उसका बटन मिल जाता है, देख सकते हैं। ये काफ़ी क्लासी बना देती है इस गाड़ी को पैनोरामिक सनरूफ, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, देख सकते हैं, इस टाइप का आपको इसमें पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलता है। कुछ लोग सोचते हैं कि इसका पीछे वाला शीशा भी खुलता है, तो पीछे वाला शीशा इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ का नहीं खुलता है, बस आगे का एक शीशा ये वाला खुलता है, देख सकते हैं। यहाँ की साइड में आपको टिकट होल्डर मिलता है, यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता। तो कुछ ऐसा था, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं आर्मरेस्ट मिल जाता है, यहाँ पर आपको ग्लोव बॉक्स मिल जाता है एक कूल वाला, यहाँ पर आपको एम्बियंट लाइट देखने के लिए मिल जाती है, जो मैं आपको सिनेमैटिक में दिखा दूंगा, अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि दिन हो रहा है, रात में दिखा सकते हैं, सिनेमैटिक में आपको दिखाऊंगा। तो कुछ ऐसा था इसका फ्रंट का रिव्यू, तो चलिए अब रियर के बारे में आपको बता देता हूँ, रियर सीट्स में क्या क्या ऑप्शन मिलता है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कैमरा, कितना क्लियर कैमरा देखने के लिए मिलता है, रिवर्स देख सकते हैं, और चार पार्किंग सेंसर्स आपको इसमें मिल जाते हैं गाड़ी में, देख सकते हैं ये कैमरा कितना क्लियर है। तो चलिए रियर की सीट पे चलते हैं, ऐसा आपको रियर सीट्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको सनशेड के लिए भी दे रखा है, देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर है इसमें दिया है कंपनी की तरफ से, काफ़ी अच्छी चीज़ दे रखी है, देख सकते हैं। मैं अराउंड 6 फीट का हूँ, तो मैं इसकी सीट इतनी कंफर्टेबल है, आराम से बैठा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, देख सकते हैं एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बैठा हूँ। साइड की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मिरर का आपको ऑप्शन मिल जाता है, पूरा क्रोम फिनिश, डोर अनलॉक लॉक का यहाँ पर आपको देख सकते हैं मिल जाता है। नीचे की बात करें तो नीचे आपको दो एसी वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं रियर में, और यहाँ पर आपको एक चार्जिंग के लिए सपोर्ट दे रखा है, और यहाँ पर आपको एक जगह अपने आप फोन रख सकते हैं यहाँ पर अपना। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको एक बोतल देख लीजिए, बोतल होल्डर आपको देख सकते हैं, और ये स्पीकर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं।
यहाँ पर आपको केबिन लाइट्स का ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं, देख सकते हैं इधर भी आपको एक केबिन लाइट मिल जाती है। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है 2 कप होल्डर्स के साथ, देख सकते हैं। तो ऐसा था कुछ इसकी रियर सीट्स का। तो चलिए मैं आपको इसके प्राइसिंग के बारे में बता देता हूँ, जो कि है 15,45,000 की, 15,45,000 की, और मैंने ये ली थी 2022 में। मुझे ये ऑन रोड 17 लाख रुपए की पड़ गई थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। मैंने फॉर्च्यून ह्युंडई नोएडा से ली थी, बिल्कुल बढ़िया उन्होंने एक मुझे सर्विस दी, और मुझे इस गाड़ी को चलाते चलाते 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मुझे तो इसका बहुत अच्छी गाड़ी लगती है, मेरी कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। तो चलिए मैं आपको गाड़ी ड्राइव करके दिखाता हूँ कि ड्राइव करने में मैं अपना एक्सपीरियंस आपको अभी शेयर करता हूँ कि बारिश में ये गाड़ी कैसी लगती है, क्या इसका टायर्स कैसे चलते हैं, मतलब परेशानी तो नहीं होती चलाने में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आपको चला के। तो ऐसा था इसका पूरा रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।